बड़े अद्भुत अद्भुत महात्मा हुए, एक से एक साधु हुआ। एक यूपी में सिरसागंज है, उधर फिरोजाबाद से आगे चलते हैं, सड़क पर पड़ता है कि मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन जब हम यहाँ की एक घटना, ये तो घटना बिल्कुल अभी की है, 5 साल पुरानी, 16 की है, 16 की मेरी उधर कहीं कथा थी, गिरोर वगैरह में उधर कहीं था मैं। तो एक महात्मा बता रहे थे, कहते हैं एक बड़ी अद्भुत बात हो गई। का क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा भागवत कथा का कोई भंडारा था, एक साधु ने कहा कि मैं रोटी नहीं खाता, मैं दूध पीता हूं, मुझे दूध पिलाऊ। सो भैया 5-7 घरों में से 10-5 बाल्टी दूध की मंगाई, बाबा का पेट ना भरे, पिए दूध और बाबा दूध पी गया 57 लीटर। हाँ पी गया, 10-5 घर से दूध आया, वो खीर के लिए भंडारे के लिए था, वो बाबा ही पी गया दूध। और फिर कहे और दूध लाओ और दूध लाओ, लेकिन जो वो भंडारा करा रहे थे वो बहुत बड़े तपस्वी थे, वो महात्मा बहुत बड़े तपस्वी थे और उनको पता लग गया, लेकिन जो दूध पी रहा था वो भी बड़ा तपस्वी था। ये तो अभी 5 साल ही पुरानी बात है। तो बाबा ने कहा कि ये तुम्हारे बूते नहीं झिकेगा दूध से, इसको मैं झिकाऊंगा। सो वो सागर, सागर जानो, उसमें ऐसे टोंटी लगी हुई होती है, वो लेकर के आए और उन्होंने दूध पिलाया। 12 बजे दूध पिलाना शुरू किया और ये सत्य घटना थी। रात को 8 बज गए, बाबा का पेट ना भरे और सागर का दूध खाली ना हो गए। ये संतों की तपस्या, तपस्या में होड़ लग गई, बाबा का तो पेट ना भरे, दूध समा गया और बाबा की टोंटी खाली ना हो। फिर गांव के लोग आए, उन्होंने दोनों साधुओं के चरणों में पड़ करके कहा आपसे हम प्रार्थना करते हैं, कंपटीशन खत्म कर दो और भंडारा होने दो। भंडारा दूसरे दिन हुआ था, पहला दिन कंपटीशन में चला गया। साधुओं की तो लीला बड़ी अद्भुत है, बहुत अद्भुत।